शुभम गिल अच्छा प्लेयर है, बहुत वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है। शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, यंग बैट्समैन है, बैट्समैनों को मौका देना चाहिए। अच्छा प्लेयर है, उस वक्त अच्छा प्लेयर है, सूर्या कुमार भी अच्छा प्लेयर है। शुभमन गिल ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन अभी जहाँ तक उन्होंने श्रीलंका की सीरीज में वापसी की है तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव थे। जाहिर सी बात है वो अच्छा प्लेयर है, अभी न्यू प्लेयर आया, उसको अच्छा टाइम हो गया, वो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। शुभमन गिल आए, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किए। न्यूजीलैंड जो है ना इंडिया के टूर पर है, उस पर क्या कहेंगे, क्या न्यूजीलैंड इंडिया को भी टफ टाइम देगा? हाँ टफ देंगे, न्यूजीलैंड इंशाल्लाह हारेगा इंडिया को। न्यूजीलैंड हराएगा, हराएगा इंशाल्लाह। वैसे अभी शुभमन गिल ने 150 मार दिए, उस पर क्या कहेंगे? बस शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, बहुत वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है। शुभमन गिल वनडे का स्पेशलिस्ट है। हाँ वनडे का स्पेशलिस्ट है। शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, यंग बैट्समैन है, बैट्समैनों को मौका देना चाहिए। इंडिया के बैट्समैनों को देखो, यंग यंग बैट्समैन आके 150 रन कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी में हारिस को, हारिस बैठा हुआ, उसको चांस नहीं दे रहे। चाहिए शाहनवाज दानी को और आसिफ अली को चांस दे रहे, यंग टैलेंट को चांस देना चाहिए। हाँ यंग शुभमन गिल के बारे में आप क्या जानते हैं? वो भी खेलते हैं, अंडर 19 के प्लेयर है, वाइस कैप्टन है मेरे ख्याल। यंग प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छे शॉट है मारते हैं। विराट कोहली से इस टाइम अच्छा बैटिंग करते हैं शुभमन गिल। बताएं बाबर आजम का बल्ला आप कब चलेगा? इंशाल्लाह आने वाले वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह बेस्ट स्कोरर होगा। पता है न्यूजीलैंड जो है ना इंडिया के टूर पर है, आज जो है ना पहला मैच है, क्या लगता है न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को या अपनी सरजमीन पर इंडिया मजबूत है? न्यूजीलैंड अगर ऐसा खेलता है जैसे पाकिस्तान को अपने घर में हराया तो इंशाल्लाह इंडिया टीम उसके सामने कुछ नहीं है, अगर ऐसा खेलता रहे तो। शुभमन गिल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं, किस सकता अच्छा प्लेयर है, उस वक्त 150 प्लस कर दिए अभी जब आप बात कर रहे हैं तो। सही है, विराट से भी अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे, मतलब यंग है, उसको जो है ना मौका मिलना चाहिए, T20 में उसको मौका नहीं मिल रहा, ये भी सही नहीं है, उनको भी थोड़ा मिस्टेक है, इसको भी T20 में लाना पड़ेगा। ये कौन जीतेगा ये सीरीज, न्यूजीलैंड या इंडिया? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा जी। सही है, तो शुभमन गिल ने 150 बना दिए हैं, वो कैसा प्लेयर है? अच्छा प्लेयर है, सूर्या कुमार भी अच्छा प्लेयर है। तो आपको लगता है इंडिया हावी है न्यूजीलैंड? हाँ। न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान को हरा के चला गया, अब इंडिया के साथ सीरीज है, क्या लगता है अब इंडिया पर हावी पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम या इंडिया को इंडिया में हराना टफ है? देखे जहाँ तक इंडिया की टीम की बात है तो आजकल वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो बहुत अच्छी टीम है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में उनका शुमार होता है। और न्यूजीलैंड की जो टीम है ना तो उसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते, वो उनका कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है ना सीरीज़ होगी ये बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही एक फाइटिंग सीरीज होगी और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। शुभमन गिल के बारे में आप क्या जानते हैं? 150 मार दिए आज उसने। देखें शुभमन गिल ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन अभी जहाँ तक उन्होंने श्रीलंका की सीरीज में वापसी की है तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी। ठीक है ना, यंग प्लेयर है लेकिन उसमें लड़के में टैलेंट बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल वो इंडियन टीम का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है ना, तो इस वजह से शुभमन गिल आने वाले दिनों का स्टार है जहां तक हम उन्हें देखते हैं। न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान से हार गया, क्या इंडिया टफ टाइम देगा उसे? माइक मैंने पकड़ा। बिल्कुल इंडिया अच्छी टीम है पर न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, दोनों का टफ मैच होगा, फाइट मैच हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड ने नए प्लेयर वो करें और इंडिया। शुभमन गिल ने 150 प्लस स्ट्रोक दिए अभी, उस पर क्या कहें? जाहिर सी बात है वो अच्छा प्लेयर है, अभी न्यू प्लेयर आया, उसको अच्छा टाइम हो गया, वो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। अब न्यूजीलैंड का अब इंडिया के साथ मैच है, क्या लगता है सीरीज कौन जीतेगा, इंडिया या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड ही जीतेंगे, फाइट बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को भी सीरीज हरा दी है, बहुत कॉन्फिडेंस आया है न्यूजीलैंड में, लेकिन मैच तो इंशाल्लाह न्यूजीलैंड जीतेगा लेकिन फाइट होगा। लेकिन जैसा भी इंडिया को शुभमन गिल आए, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किए, एक और 150 प्लस मार दिए और इंडिया को एक और ओपनर की तलाश थी, इंडिया को वो भी मिल गई, अब देखते हैं इंशाल्लाह उनको मौका दे रहे तो आगे परफॉर्म कर रहे हैं। हमें कब अच्छा ओपनर मिलेगा ये बताएं? इंशाल्लाह बस कोशिश कर रहे हैं टीम वाले, बाबर आजम अच्छे हैं लेकिन कुछ प्रेशर वगैरह है उनके कैप्टनी की वजह से, वरना हमारा पाकिस्तान के भी तो ओपनर अच्छे हैं माशाल्लाह, जैसे फखर जमान है, इमामुल्लाह के रिजवान है, सारे अच्छे खेलते हैं। आपको न्यूजीलैंड अब इंडिया को भी हराएगा उनके घर में? हाँ इंशाल्लाह इंडिया को भी जरूर मारेगा ये न्यूजीलैंड, बाकी फाइटिंग मैच होने वाला है। लेकिन वो भी विराट कोहली फॉर्म में है और शुभमन गिल भी फॉर्म में आ गए हैं, ये क्या है उनकी, हम तो सिर्फ बाबर आजम पे डिपेंड करते हैं, उनका यंग लड़का आके परफॉर्म कर जाता है।
इंडिया का जो है विराट कोहली जो है वो जज्बाती हो जाते हैं थोड़े, जज्बात जज्बात में वो बल्ले से रन मार देते हैं, बल्ला घुमा देते, बल्ला अच्छा चीज है ना यार जज्बात। न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को? नहीं, मुश्किल है, हरा देगा। 2-0 या 3-0? 2-0, एक जीतेगा, एक जीतेगा। शुभमन गिल ने 150 मार दिए, इस पर क्या कहें? इसका खास मुझे मालूम नहीं इतना।